क्या बीजेपी का 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की तरह ही है तेजस्वी का 10 लाख नौकरी देने का वादा? कहां गया बीजेपी का 2 करोड़ रोजगार? क्या इसी तरह गायब हो जाएगा तेजस्वी का 10 लाख नौकरी देने का वादा? पैसे का हिसाब किताब देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि 10 लाख नौकरी असंभव है। 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने में क्या है सबसे बड़ी दिक्कत, देखें इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, ठीक उसी तरह बिहार में तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का चुनावी वादा किया था। पर सवाल यह है कि क्या जिस तरह बीजेपी का हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के वादे की हवा निकल गई, ठीक उसी तरह बिहार में भी तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी देने के वादे की हवा निकल जाएगी? बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। बिहार से ही सबसे ज्यादा लोग रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। लोग रिक्शा तक चलाने के लिए दिल्ली, पंजाब और मुंबई जाते हैं। बिहार में कल कारखाने तो हैं नहीं, तो ऐसे में लोगों को अपनी रोजी रोटी के लिए अपना घर और बिहार छोड़ना पड़ता है। पिछले कुछ सालों में रोजगार का मुद्दा बिहार में छाया रहा, खासकर बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने इस पर खूब बात की और वोट भी बटोरे। लगे हाथ बीजेपी और जेडीयू ने भी 20 लाख रोजगार का वादा कर दिया। खैर, ये बात तो चुनावी थी, सो चुनाव बीत जाने के बाद जेडीयू और बीजेपी ने इस वादे को ही भुला दिया और किसी ने भी बीजेपी से हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार और बिहार में 20 लाख लोगों को रोजगार के सवाल पर सवाल पूछने की जहमत तक नहीं उठाई। लेकिन अब राज्य में नई सरकार बनी तो रोजगार की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी। तेजस्वी यादव से हर कोई पूछने लगा कि नौकरियां कब मिलेंगी। सीएम नीतीश कुमार ने भी ऐलान कर दिया है कि बम्पर बहाली होगी, 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी, इसके अलावे 10 लाख रोजगार भी दिए जाएंगे। दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए पूरे तौर पर हम लोग हर जगह इन सब चीजों को काम करेंगे ताकि ये सब काम में आप समझ लीजिए कितना ज्यादा होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इतनी संख्या में नौकरियां देना बिहार सरकार के बूते की बात है? अगर है तो क्या नीतीश कुमार इस बात का इंतजार कर रहे थे कि तेजस्वी दूसरी बार सरकार में उनके साथ आएंगे तो ही नौकरी देंगे? जब 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जा सकती थीं, तो पिछली सरकार क्या तेजस्वी के सरकार के आने का इंतजार कर रही थी? सवाल बड़े हैं जिसका जवाब आपको तलाशने हैं। चलिए इसे कुछ आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। क्या बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी देना संभव है? बिहार का बजट 2021-22 में 2.17 लाख करोड़ था, जो 22-23 में बढ़कर 2,37,691 करोड़ हो गया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, निर्माण, सड़क, बिहार सरकार के मौजूदा कर्मचारी सहित विकास की कई योजना शामिल है। इस बजट पर भी बिहार के कई विभागों में कार्यरत कर्मचारी के वेतन का भुगतान अनियमित है, यानी समय पर उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती है। कई विभागों में साल भर की सैलरी के बदले 2 या 3 महीने की ही सैलरी मिलती है, जिसकी मुख्य वजह है कि विभागों के पास पैसे की कमी होना, सरकार के पास पर्याप्त पैसे का ना होना। ऐसे में अगर सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी देती है तो कम से कम 22,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ सरकार पर बढ़ेगा, जिसके लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत पड़ेगी। पर ये पैसे आएंगे कहां से, ये बड़ा सवाल है। बिहार में उद्योग धंधे हैं नहीं, कल कारखाने
है नहीं। बिहार के राजस्व का एक बड़ा जरिया शराब था, वो भी बिहार में पूर्णतः बंद है। तो ऐसे में ये बड़ी चुनौती होगी कि ये पैसा कहां से आएगा। खुद सीएम नीतीश कुमार ने भी तेजस्वी यादव के 10 लाख सरकारी नौकरी के दावे पर कई बार सवाल उठा चुके हैं। 2020 में नीतीश कुमार ने गोपालगंज के भोरे और सीवान के जीरादोई में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था, आजकल कई लोग कह रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो खूब नौकरियां देंगे, लेकिन इसके लिए पैसे कहां से लाएंगे, क्या ये पैसे जेल से आएंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता का रास्ता बदला तो नीतीश कुमार के सुर आंकड़ों से बदलकर राजनीतिक हो गए। बाकी लोग खाली बयानबाजी करेगा, करने का न कोई ज्ञान है न कोई जानकारी है कि कहां होगा। आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे, अच्छा ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहां नहीं दोगे, सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे, जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा, क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा। सत्ता पक्ष और आरजेडी के नेता हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि अगर तेजस्वी विल पावर दिखाएंगे तो इस वादे को पूरा कर सकते हैं, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से कम पैसे के लिहाज से ऐसा होता दिखता कतई मुमकिन नहीं लग रहा। अगर ऐसे में भी मौजूदा हालात में बिहार के लोगों के वोट को साधने के चक्कर में अगर 10 लाख नौकरियां दे दी गईं तो क्या होगा, इसका बखूबी अंदाजा आप लगा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। सरकार के वादों के तहत बहाल हुए 10 लाख लोगों के सैलरी के संकट के साथ साथ बिहार सरकार के मौजूदा कर्मचारी के भी वेतन पर भी एक बड़ा संकट आ जाएगा। बिहार में विकास और निर्माण कार्य प्रॉपर फंडिंग ना हो पाने के कारण या तो रुक जाएंगे या बंद हो जाएंगे, यानी आर्थिक मोर्चे पर पहले से गरीब बिहार बदहाल ही नहीं बर्बाद हो जाएगा। वैसे आबादी के लिहाज से बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। MPI के हिसाब से 2015-16 में बिहार का हर दूसरा व्यक्ति गरीब था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर हर 4 में से एक बिहारी गरीब था। अब ऐसे पिछड़े राज्य में एक साथ इतना रोजगार क्या संभव है, कम से कम कागजों पर नहीं लगता। वैसे सरकार विकास के खर्चों में कटौती करे, मरीन ड्राइव और नया म्यूजियम बनाने के बदले लोगों को रोजगार देने पर पैसा खर्च करे तो हो भी जाए, पर विकास की रफ्तार को रोककर नौकरियां देना कहां तक बिहार के हित में होगा, नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या 10 लाख नौकरी देने में बिहार सक्षम है। विकास कुमार, न्यूज़ लाइव डेस्क, पटना।